हेलो फ्रेंड्स, रोजा रोज कुजीन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चना दाल फिश हेड करी। इसके लिए मैंने लिया है चना दाल। इस कप का 2 कप है चना दाल और 1 कप है मलका, लाल मसूर दाल जिसको कहा जाता है। इसके लिए हमें चाहिए फिश हेड। इसके साथ मैंने पीस भी ले लिए हैं और अच्छा से क्लीन करके मैंने इसमें 1 स्पून लेमन जूस, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून चिली पेस्ट, चिली पाउडर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर देख के मिक्स करके मैंने 15 मिनट से मैरिनेट करके रख दिया है। और दाल को मैंने 1/2 घंटे से भिगो के रखा है। और चाहिए हमें प्याज, 2 प्याज है कटी हुई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं हम। एक कुकर ले लिया मैंने, इसमें 2 स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है। अगर आप लोग चाहो तो दूसरे कोई भी ऑयल से बना सकते हो, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में ये अच्छा टेस्ट होता है इसका। अब इसमें मैं जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए प्याज डाल दे, एक दालचीनी स्टिक है छोटी सी और एक तेज पर मैंने 2 पीस कर दिया इसको। अच्छा से गोल्डन कलर तक मैं फ्राई करूंगी। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा से मिक्स करके फिर इसमें हम डालेंगे मसाला 1 स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें। 1 स्पून चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर। अच्छा से मिक्स कर लेना है। मसालों को थोड़ा सा भूनना है। थोड़ी सी पानी देना है इसमें 1 स्पून। जब अच्छा से ये फ्राई हो जाए तब इसमें भीगी हुई चना दाल मलका जो मैंने भिगो के रखे हैं, कम से कम 1/2 घंटा आपको दाल को भिगो के रखना ही है। खूब अच्छा से पहले 5-6 बार इसको क्लीन करना है करके फिर भिगो के रखना है। अब इसमें मैं दाल डाल दूंगी। खूब अच्छा से इसको मिक्स कर ले। मिक्स करके इसमें पानी डाल देना है और चना दाल को एकदम सॉफ्ट बना लेना है। 4 या 5 सीटी में अगर सॉफ्ट हो जाती तो ठीक है, नहीं तो और 1-2 सीटी आप दे सकते हो। सबका कुकर अलग है तो इसीलिए आप अपना कुकर का हिसाब से पानी डालें। चना दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब इसमें पानी डालेंगे। इस कप का 1 कप में पानी डालूँ, 1 कप मैंने पानी दे दिया है। अब मैं इसमें लीड लगा दूंगी, 5 सीटी देके फिर आपको दिखाऊंगी। अब हमें जो फिश हेड है उसको फ्राई करना है। एक फ्राई पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल 1 स्पून डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी दे दूंगी। हल्दी देने से क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ फ्राई करोगे वो चारों तरफ फैलती नहीं है।
अच्छे से कलर जब आ जाए तब मैं फ्लिप कर दूंगी, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, एक तरफ जब कलर आ गया तो दूसरा तरफ मैंने फ्लिप किया है। स्लो फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। फ्राई हो चुकी है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के। अच्छा से पानी के साथ मिक्स कर लेना है, आप सॉल्ट टेस्ट कर लें। फिर अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें। अभी मैंने इसको गैस में नहीं रखा है, मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको गैस में रखूंगी। अच्छा से मिक्स करें, कहीं गुठली ना बन जाए नीचे में। अब इसको मैं गैस में रखूंगी। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये थिक है, तो इसमें मैं 1 कप और पानी डालूँगी। आप लोग अपना हिसाब से पानी डालें, सॉल्ट भी इस टाइम टेस्ट कर लें। इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए तब मैं इसमें फ्राई किए हुए फिश हेड डालूँगी। अब अच्छे से बॉयल आ चुकी है और इसमें मैंने अभी 1 स्पून सॉल्ट एंड 1 स्पून चिली पाउडर दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और होना चाहिए। आप लोग अपना हिसाब से डालें। और इसमें मैं 5 ग्रीन चिली दे दूँगी। ये फ्राई किए सब चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें जो ऑयल है ये भी मैं डाल दूँगी। तो अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से ऐसे देखें और उसमें लीड लगा दें। 5 मिनट्स के लिए इसको दम में रख के फिर डिश आउट करें। फिश हेड रेडी है, अब मैंने इसको निकाल लिया गैस से। डिश आउट करके अब मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। चना दाल फिश हेड कारी रेडी है। मेरे रेसिपी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।